चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है कि वह 63 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सके। सीढ़ी को फिर सड़क के विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है और 56 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 65 मीटर है तो गली की चौड़ाई क्या है? देखिएगा, समझिएगा, एक इधर है और एक इधर है, ये गली है। हुआ क्या कि पहले सीढ़ी ऐसे था, अब इसको विपरीत दिशा में मोड़ के यहां रख दिया गया। फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। अब देखिए, एक सीढ़ी इस प्रकार रखी गई कि वह 63 मीटर ऊंची, मान लीजिए ये 63 मीटर है, ठीक है, और सीढ़ी को फिर सड़क के विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है और 56 मीटर ऊंचा, यानी कि 56 पर पहुंच गया, और आगे सीढ़ी की लंबाई 65 है, यानी कि यहां भी 65 और यहां भी, और आपको यहां से यहां तक की चौड़ाई निकालनी है। तो देखिएगा, लंब पता है, कर्ण पता है, यहां से यहां आधार पता हो जाएगा, फिर इसका इधर से आधार पता हो जाएगा, हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की लंबाई नहीं पता हो जाएगी। तो चलिए, ए बी सी डी ई, तो पहले बी सी बराबर रूट अंडर 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, तो 25 42 माइनस 6 का 36, 25 6 31 कितना हो जाएगा बुआ? 9 6 15 बच गया, एक एक है तो 8 3 11 बच गया, 41, तो 10 89 किसका होता है? जल्दी बताइए, निकालिए 10 89 वर्गमूल 33 का। चलिए, तो यानी कि हमारा यहां से यहां तक की लंबाई आ गई 33। फिर आइए, सी डी बराबर रूट अंडर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं, तो ए प्लस बी करिएगा तो 5 3 8 6 6 12, इन दोनों को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 8 2 16 12 2 24 1 25, 256 किसका होता है? 16 का, तो ये आ गया 16। तो हमको निकालना है बी डी, बी डी बड़ा यही लिख दीजिए, बी डी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 33 प्लस 16 49 मीटर होगा, तो मीटर हो गया आंसर। चलो नोट कीजिए इसको, 49 मीटर आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? वही ना है। चलिए क्या कहता है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात इतना है। तार की लंबाई के लिए 740 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से खेत के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक तार की लागत ज्ञात कीजिए। यही है, चलिए देखते हैं। हमारा लंबाई हो गया बुआ 6x और चौड़ाई हो गया 5x, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 6x इंटू 5x बराबर 27,000। सर, खेत के चारों ओर 4 बार चक्कर ना, चलो तो चलिए कोई बात नहीं है, तो देखते हैं यहां 5 से 25 5 चौक 20 6 से 6 9 9 एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो एक्स बराबर रूट अंडर 900, 900 का वर्गमूल हो गया 30, यानी 30 भी हो गया। तो लंबाई मेरा हो गया बुआ 6x बराबर 6 × 30 180, चौड़ाई हो गया 5x यानी 5 × 30 150। परिमाप देखिए, एक चक्कर के लिए होगा 2 × 180 + 150, लेकिन चक्कर का गो लगाना है 4 गो, तो क्या हो जाएगा? × 4, तो 8 × 0 8 5 13 1 1 2 1 3 0 8 3 24 24 2 26 2640 मीटर, यही हो गया। अब आइए, मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए। किलोमीटर बदलने के लिए क्या करना होगा? कितना से भाग? 1000 से, तो हो जाएगा 2.640 किलोमीटर। तो कहता है कि 1 किलोमीटर के लिए इतना खर्च, तो इतना के लिए क्या होगा? खर्च बराबर, खर्च 2.640 × 700। अब अगर 2 गो
तीन को जीरो बैठा दीजिए, 1000, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, बुरा कीजिए तो बुआ 264 में 74 से आ जाएगा 19 53 60, 19 53 6, एगो दशमलव एक अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया हो जाएगा, गुना करके देखिए आ जाएगा, ठीक है ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, पहले देखिए बुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए, टोटल खर्चा हमको लग रहा है कितना 28,000, 28,000 लग रहा है जब 3500 रुपया एक हेक्टेयर का, तो देखते हैं कितना हेक्टेयर हो गया, कटेगा 8 से, यानी कि 8 हेक्टेयर जमीन है, 8 हेक्टेयर, तो 8 हेक्टेयर बराबर, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 80,000 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जैसे ही होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ, और एक चीज आप लोग को यहां दिया गया लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो बउआ देखिए चौड़ाई यदि मानेंगे x तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, तो क्षेत्रफल x इंटू 2x बराबर दिया हुआ है 80,000, 2 से काट दीजिए 40,000, देखिएगा बउआ x स्क्वायर है तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 40,000 बराबर कितना 200, कोई दिक्कत तो बोलिएगा, तो 200 हो गया, तो यहां देखिए लंबाई आपका हो गया 2 × 200 यानी कितना 400, और चौड़ाई तो आपका 200 ही हो गया, पहले अब हमको क्या निकाला है परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, 200 + 400, तो 2 × 600 यानी कि 1200 हो गया, अब देखिए 1200 मीटर, और कहता है कि चारों ओर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या लगाना है बार लगाना है, तो चारों ओर बार लगाना होगा, मतलब कहां लगाना होगा बाउंड्री वाल पे, अब बाउंड्री वाल पे जो भी काम होगा उसके लिए क्या निकालते हैं परिमाप निकालते हैं, तो एक मीटर में 5 रुपया खर्चा होता है तो 1200 मीटर में नहीं निकलेगा, तो खर्च बराबर 1200 × 5 यानी कि 6,000 रुपए का खर्च आएगा, चलिए नोट कीजिएगा 6,000 रुपया, क्या कहता है यदि किसी आयत का एक भुजा 3 मीटर था, इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं, मान लीजिए लंबाई 3 है और विकर्ण 5 है, तब विकर्ण बराबर विकर्ण स्क्वायर बराबर L² + B² तब विकर्ण हो गया 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 25 − 3 का स्क्वायर 9 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर रूट अंडर 16 अर्थात 4, क्षेत्रफल निकालना है L × B, तो 3 × 4 = 12, चलिए नोट कीजिएगा इजी पे, देखिए जब कभी भी परिमिति दिया रहे और विकर्ण दिया रहा है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, क्या है तो देखिएगा पेरीमीटर का स्क्वायर बटा 8 और माइनस डायगोनल का स्क्वायर और बटा में 2, इससे भी बना सकते हैं, ये सिंपल सा तरीका है, तो पेरीमीटर हमारा कितना है 14 ना, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 × 14 और बटा में 8 और डी कितना है 5, तो 5 × 5 = 2, 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, तो 2 LCM हो गया 49 − 25 कितना हो जाएगा 24, 24 × 2 = 12, तो क्षेत्रफल 12 हो जाएगा, आया इतना आप लोगों को, तो ये हो गया सिंपल तरीका, बाकी लंबा बनाइए तो बहुत ज्यादा लंबा जाता है, देखिए क्या जाएगा परिमिति होता है 2 × L + B और इसका वैल्यू दिया हुआ है 14, L + B = 7 इक्वेशन फर्स्ट, और विकर्ण कहता है तो विकर्ण होता है क्या L² + B² = 5, विकर्ण बराबर 5 का स्क्वायर, यही ना होगा विकर्ण स्क्वायर बराबर L² + B² तो हो जाएगा L² + B² = 25 इक्वेशन सेकेंड,
अब यहां से देखिए क्या होगा, बहुत कुछ बनाना है। अब एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एल बी, तो एल प्लस बी हो गया सात, तो सात का स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 25, अब प्लस टू एल बी, तो 49 माइनस 25 बराबर टू एल बी, तो 24 हो जाएगा ना, 24 बराबर टू एल बी, इससे इसको कर दीजिए 12, एल इंटू बी बराबर 12, और हमको क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल तो एल इंटू बी ही होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आंसर। दोनों में से जो नियम से आपको बनाना है उससे बना दे, अगर पेरीमीटर और डायगोनल दिया रहे और डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाला हो तो इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, सिंपल तरीका है।